और क्वेटा के शहरी बड़े परेशान हैं। जो हमारे क्वेटा के नुमाइंदगान हैं उनकी जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है अपनी जगह पे, और लोगों की सही तर्जुमानी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने बलूचिस्तान के जो सदर बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से बात की, और हमारे दोस्त जो हैं वो मेरे छोटे भाई भी, उन्होंने सगर गेस्टिक कुछ रिमार्क्स भी पास किए, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बलूचिस्तान में जो बड़े पैमाने पे फंड्स आए हैं वो 7th NFC अवार्ड के बाद आए हैं 2009 में, और उसमें जो है इसके बाद मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। अगर हम यहाँ पे बैठ के एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना या पिछली हुकूमतों पे जो है वो नुक्ताचीनी करना, तो इसमें बहुत से लोग आ जाएंगे, आप तकरीबन सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, तो मैं खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जनाब स्पीकर, हम जो है बलूचिस्तान तकरीबन सारा जो है पसमानदा है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मज़ीद बनने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है मज़ीद हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर कस्बा, जुनूब हो, शुमाल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात सदर बलूचिस्तान की है, मैं आपको वसूख से बताऊं कि 2010 में जब वहाँ पे इंसर्जेंसी सो कॉल शुरू हुई, तो सिवाय मुख्तलिफ शहरों के, जिसमें तुरबत 5 किलोमीटर रेडियस, गवादर की जो लिमिटेड एक तहसील है, उसके अलावा बाकी जगहों पे एक सड़क भी नहीं बनी, ना कोई मेगा डैम प्रोजेक्ट कोई बना। आपने अखबारात में देखा होगा, आपने जो है टीवी पे देखा होगा, आए रोज़ कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे वहाँ पे हमले होते थे, उनकी मशीनें जलाई जाती थी, और 15 साल से उस एरिया में कोई सड़क नहीं बनी। हमारे बलूचिस्तान सारा बलूचिस्तान है, जिस तरह तुरबत मेरा घर है उसी तरह पशीन भी मेरा घर है, उसी तरह किला अब्दुल्ला भी मेरा घर है, पूरा बलूचिस्तान मेरा घर है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर आप 15-20 साल एक डेवलपमेंट मुंजमद रही हो, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उसने ऐलान किया, तो इसको हम वेलकम करते हैं, इस पे हम जो है सियासत नहीं करते, हम उसको वेलकम करते हैं। और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम बलूचिस्तान के जितने भी अजला हैं उनके लिए तरक्याती पैकेज लाएँ। जनाब स्पीकर, मैं ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज़ करूँ कि जब हुकूमत वजूद में आई, तो उस वक्त अपने फेडरल PSDP में जो हमने स्कीमा डलवाई, सबसे पहला स्कीम जो मेगा प्रोजेक्ट हमने अप्रूव करवाया वो जॉब 5 लाख करोड़ था, 65 बिलियन का, और इस साल भी उसके 10 अरब एलोकेशन है। बदकिस्मती से पिछले साल जो नई स्कीमा थी उसमें बलूचिस्तान के बाकी एरिया कवर नहीं हुए, लेकिन 2-3 प्रोजेक्ट उसमें आ गए। मैं उसको असम्बली के रिकॉर्ड के लिए, दुरुस्ती के लिए मैं बताता चलूँ कि उसमें क्वेटा ज़ियारत डेवलाइजेशन है, उसमें चमालांग रोड है, तो वो रिफ्लेक्टेड हैं, वो भी मंजूर हुए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने, जिस तरह जमरुख साहब ने कहा कि वहाँ पे हम सब ने जो है ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश गुजार कराई कि जिस तरह आपने यहाँ पे एक पैकेज का ऐलान किया, पूरे बलूचिस्तान को एक पैकेज की ज़रूरत है, हम सबको पैकेज की ज़रूरत है, तब जाके बलूचिस्तान जो है बाकी सूबों के बराबर आ जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि हम मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जो है अब बात करें। अब 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें वाशक है, जो हमारे वाशक के नुमाइंदे यहाँ पे रोज़ाना जो है यहाँ पे बोलते रहते हैं, उनकी भी स्कीमात हैं, खुशदार की भी स्कीमात हैं, रसबीला की भी स्कीमात हैं, और हम सब मिलकर उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर एक जगह पर जो 10-15 साल से उसकी तरक्की मुंजमद हो गई थी, अगर उसकी तरक्की को दोबारा जो है रवानदवा कर दिया गया है, पटरी पे चढ़ा दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसको वेलकम करते हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, तकरीर में क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो तजदीद निगारों का काम है, वो लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है, वो तजदीद निगार अपने काम जो है बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यह है कि हम जो है सगारस्टक व्यूज़ रिमार्क्स पास एक दूसरे पर ना करें, तो हमने भी यहीं पे रहना है, इसी बलूचिस्तान की खिदमत करनी है, इन्हीं असम्बलियों के मेंबर आ रहे हैं। कौन सी ऐसी जमात है जो इस असम्बली का मेंबर नहीं रहा है, 10-15 साल जे यू आई रहा है, PK मैप भी यहाँ पे रही है हुकूमत में, BNP भी यहाँ पे हुकूमत में रही है, आज बलूचिस्तान NP भी रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, सब ने इक्तदार के मज़े जो हैं वो लूटे हैं। अब जब आके पसमानदगी की बात आती है, वो कहता है कि जी उसकी वजह से जो है
पसमानदगी आ गई है, दूसरा कहता है दूसरे की वजह से आ गई है। तो इस पर जो है मैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से गरज करें और हम सब मिलकर जो बलूचिस्तान की खिदमत करें।